हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार सिंह। मैं आज की वीडियो में बताऊंगा रूफस टूल के बारे में। रूफस टूल का यूज करके आप विंडोज़ की ISO को कस्टमाइज बना सकते हैं। जब इस पोर्टेबल पेन ड्राइव से आप विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शन स्किप या बाईपास हो गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूफस टूल को ओपन करें। आप अपनी पेन ड्राइव को कनेक्ट करें। कनेक्ट करते ही डिवाइस ने डिटेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको ISO को सेलेक्ट करना है। पार्टीशन स्कीम GPT, वॉल्यूम लेबल, यहाँ पे आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करें। स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपको एक विंडो ओपन होगी, विंडो यूजर एक्सपीरियंस। आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4GB रैम, सिक्योर बूट एंड TPM 2.0। इसे सेलेक्ट करने से आप अपने सिस्टम में विंडो 11 इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं लेकिन आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप अपने सिस्टम में विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। इसे सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन बाईपास हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है क्रिएट लोकल अकाउंट विथ यूजर। यहाँ पे आप यूजर बना सकते हैं जो काम आपको बाद में करना, तो हम पहले ही कर रहे हैं। इसे भी सिलेक्ट कर लें। फाइव नंबर को भी सिलेक्ट कर लें। डिसेबल डेटा कलेक्शन, स्किप प्राइवेसी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आते हैं वो स्किप कर देगा। सिक्स ऑप्शन डिसेबल बिटलॉकर ऑटोमेटिक डिवाइस इनक्रिप्शन। इसे सेलेक्ट करने से आपके हार्ड डिस्क पे बिटलॉकर डिसेबल रहेगा, अनेबल नहीं होगा, और ओके करें। अगेन ओके। जब आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी और आप इस पेन ड्राइव से विंडो इंस्टॉलेशन करेंगे, देखेंगे कि कुछ ऑप्शन बाईपास और या स्किप हो चुके होंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।